नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा था। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, उसमें से पिछले दिनों हम लोगों ने सिर्फ दो ही कारक पढ़ा था, तो बाकी के जो कारक हैं उनको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा था अक्षांश विस्तार और समुद्र तल से ऊंचाई। अक्षांश विस्तार आपको मैप के द्वारा बताया गया होगा, आप उसको देखे होंगे। समुद्र तल से ऊंचाई को भी बताया गया होगा, 165 मीटर ऊपर जाने पे एक अंश सेल्सियस तापमान घट जाता है, तो हाइट ज़्यादा होने के कारण ही ग्लेशियर का जो है निर्माण होता है उच्च पर्वतों पर, सारी बातें बताई गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्वतों की दिशा। अगला हेडिंग है पर्वतों की दिशा, साइड ऑफ माउंटेन। पर्वतों की दिशा से क्या मतलब होता है, ये भी एक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। सपोज दैट पर्वत देख रहे होंगे, सपोज दैट हिमालय की जो बनावट है वो पूरब से पश्चिम है। कैसे है? पूरब से पश्चिम। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। पूरब से पश्चिम है बनावट, तो पर्वत के दक्षिण वाला जो भाग होगा, ये दक्षिण वाला जो भाग है सामने, सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा, यहाँ वनस्पतियाँ होंगी, घास फूस होंगे, लेकिन जो उसके पृष्ठ भाग होगा वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा सूर्य जो है पश्चिम से निकल कर पूरब से निकल करके और दक्षिण होते हुए पश्चिम आता है। इस प्रकार ही छाया वृष्टि प्रदेश हो जाता है। तो जिन क्षेत्रों में पर्वत की दिशा अगर पूरब पश्चिम में फैली हुई है, तो उसके उत्तर वाला जो भाग होगा वो छाया वृष्टि प्रदेश होगा, वहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, वह भाग निर्जन होगा, और दक्षिण वाला भाग हरा भरा होगा, अर्थात एक ही पर्वत श्रृंखला के दो परिणाम निकले, अर्थात पर्वतों का प्रभाव होता है। और ठंडी के दिन में क्या होता है, घाटियां जो होती हैं काफ़ी ठंडी हो जाती हैं, और जो है ऊपर वाले भाग पे बर्फ़ जम जाते हैं, इसलिए जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो मध्य भाग की घाटी के मध्य भाग में चले जाते हैं, अर्थात पर्वत के मध्य भाग में चले जाते हैं। इस प्रकार प्रभावित करता है। और जब गर्मी का मौसम आता है तो मध्य भाग से लोग घाटियों से नीचे चले आते हैं, अर्थात निचले भाग पे लोग जो है अपने पशुओं की चराई करते हैं और रहने का आवास भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में अगर पर्वत है तो वह पर्वत जो है प्रभावित करती है जलवायु को। और पर्वत की दिशा के बारे में बताया गया, और यदि पूरब पश्चिम के बजाय उत्तर दक्षिण में है तो पूर्वी भाग पे भी प्रकाश पड़ेगा, पश्चिमी भाग पे भी प्रकाश पड़ेगा, दोनों पे पेड़ पौधे होंगे। लेकिन अगर उसकी दिशा विपरीत है, अर्थात पूरब पश्चिम में फैली हुई, तो उत्तर वाला भाग जो होगा वो निर्जन होगा। जैसे आप पढ़े होंगे हिमालय के उत्तरी भाग जो कुन्नुन है, ध्यानशांग है, और तिब्बत का पठार है, वो एकदम निर्जन। किस प्रकार से पर्वतों की दिशा आपको समझ में आ गई होगी। अब है धरातल की बनावट, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है धरातल की बनावट। पूरी दुनिया जो बनी है, पूरी कायनात जो बनी है, इसमें तमाम प्रकार की विभिन्नताएं हैं। कहीं गगनचुंबी इमारतें हैं, इमारतों जैसी पर्वतें हैं, तो कहीं उच्च पठार हैं, तो कहीं समतल मैदान है, तो कहीं निचला सागर है। इस प्रकार से सागर के लेवल से अगर देखा जाए, सी लेवल से देखा जाए, तो पृथ्वी के बनावट में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, ये भी जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं, सपोज ये सागर है, सागर की स्थिति है, फिर मैदान आप देख रहे होंगे 200 मीटर ऊंचा है, फिर 400 मीटर 600 मीटर आप देख रहे होंगे ये पठार है, फिर उसके बाद देख रहे होंगे कुछ पर्वत चोटी है। तो ये जो धरातल का बनावट है ये भी प्रभाव करता है। सागर से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है लो होता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये बनावट भी एक प्रकार से बहुत प्रभावित करता है। अब जैसे जहाँ समतल मैदान होंगे
वहाँ जो है हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, पठारों पे भी होंगे, लेकिन यहाँ के तापमान में अंतर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊंचा भाग होगा, ऊंचा भाग होगा, और ये अधिक ऊंचा भाग होगा, अधिक ऊंचाई पर तापमान एकदम डाउन हो जाएगा। नीचे घाटियों में भी बताया गया कि ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है शीत ऋतु में। तो इस प्रकार से ये बनावट जो है, शीतला की बनावट भी जलवायु को प्रभावित करता है, अर्थात इसके तापमान इसको आप देख करके भी। फिर है अगली हेडिंग, स्थल का वितरण। स्थल का वितरण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे सपोज है कि सागर है, सागर से मानसूनी हवाएं जब बनती हैं तो जो भाग इनके ज़्यादा नज़दीक होते हैं वहाँ पर मानसूनी हवाएं ज़्यादा जो है वर्षा करती हैं। जैसे जैसे वो दूरियां उनकी बढ़ती जाती है उनमें आर्द्रता कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से जल स्थल जो भाग जल के समीप होंगे वहाँ पर समकारी जलवायु भी होगी, वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होगी, और वहाँ पर जो है मानसूनी हवाएं टकरा करके बारिश भी ज़्यादा करेंगी। और जो भाग जल से जितने दूर होगा वो उतना शुष्क होगा, जैसे राजस्थान वाला जो भाग है, दिल्ली का भाग है, जो इधर हरियाणा पंजाब का भाग है, जलखंड से काफ़ी दूर है। वहीं पर आप देख रहे हैं वो मुंबई है, केरला है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तटीय क्षेत्र जो है वो जल के समीप में है, तो उनके यहाँ आर्द्रता ज़्यादा है। इस प्रकार से जो भाग जितने जल जल से दूर रहेंगे उनमें जलवायु की विषमता ज़्यादा पाई जाएगी। तो जल वितरण भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है, जलवायु को प्रभावित करता है। इसके बाद हम देखेंगे सागरी प्रभाव। सागरी प्रभाव क्या है? सागरी प्रभाव ये सागर का जो समीपी क्षेत्र होगा, ये सागर का समीपी क्षेत्र है, यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना जो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि जल जो है ना तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ पर समकारी जलवायु होगी, और जो भाग सागर से जितने दूर होगा उसको सीधे सीधे कह दीजिए जल उतना ही कम मिलेगा, वो जल का सागर का उतना ही प्रभाव वहाँ कम रहेगा। तो इस प्रकार से जिन देशों के तटीय क्षेत्रों में सागर ज़्यादा हैं या सागरी प्रभाव है, तो वहाँ पर अक्षांश के आधार पे अगर वह देखा जाए तो अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग उसकी क्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी तटीय क्षेत्र जो होंगे जहाँ पर गर्म जलवायु धाराएं बहती होंगी उन क्षेत्रों में अलग प्रभाव होगा, ठंडी जलवायु धारा जहाँ पर बहती होंगी वहाँ का जलवायु अलग होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सागरी क्षेत्र जो होगा वहाँ पर समकारी जलवायु पाई जाएगी, और अगर वो 15 से 30 अंश के बीच में है महाद्वीपों के पश्चिम पूर्वी भाग में, तो वहाँ भी मानसूनी जलवायु भी पाई जाएगी, तो वहाँ पर वर्षा भी होगी यदि सागर तट के समीप में वो स्थलखंड है। तो इस प्रकार से सागरी प्रभाव जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और जो भाग जितने सागर से दूर रहते हैं वहाँ की जलवायु उतनी उष्ण होती है। जैसे मध्य एशिया के भाग जो है वो सागर से, जैसे ईरान, इराक, तुर्की, कजाकिस्तान, अब ये जो है मंगोलिया, ये सब भाग काफ़ी दूर है सागर से, इसलिए यहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है और ठंडी के दिन में काफ़ी आर्द्रता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये प्रभाव हुआ। फिर आगे हम लोग अगला प्रभाव देख सकते हैं कि वायु दाब क्या होता है? वायु का दाब का मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर लो वायु दाब होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। आपको समझाने का प्रयास करें, आप गर्मी के दिन में देखते हैं, इस समय गर्मी का दिन है, आज काफ़ी टेम्परेचर भी है, आज है 11 मई और 11 मई का दिन आप देख रहे हैं टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अब आप ये देखेंगे टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि यहाँ की हवा गर्म होकर चारों दिशाओं में फैल गई। जब ये हवा हल्की होगी तभी फैलेगी, तभी तो लो टेम्परेचर कहा जाएगा। जब लो होगा टेम्परेचर, सॉरी जब हाई होगा टेम्परेचर तो हवाएं गर्म होंगी,
और ऊपर चली जाएंगी तो खाली स्थान हो जाएगा। लेकिन आप ठंडी के दिन में देखते होंगे कि हवाएं अगर हल्की सी चलती हैं तब भी हमें सुरीली जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो ठंडक के मारे हमें कपकपी देने लगती हैं। तो उस समय क्या होता है कि हवाओं का जो प्रेशर होता है वो धरातल के समीप आ जाता है, अर्थात हवाएं ठंडी हो जाती हैं और वो दबने लगती हैं नीचे और वो धरातल के समीप में आ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हवाएं जो होती हैं सघनता में ज़्यादा हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, जिसके कारण हाई प्रेशर हो जाता है। और ठंडी के दिन में आप देखते होंगे हाई प्रेशर के कारण हमें जो है ठंड ज़्यादा महसूस होती है और हवाएं चलती भी नहीं ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से जब गर्म हवाएं होती हैं, यही हवाएं जब गर्म होकर के चारों दिशाओं में फैलने लगती हैं, तो 21 जून के बाद जब सूर्य दक्षिणायन दिशा में फिर मुड़ने लगता है तो हमारे यहाँ खाली स्थान को घेरने के लिए मानसूनी हवाएं चारों तरफ से क्या आप ये समझ सकते हैं कि आपने जब मानसूनी जलवायु के बारे में पढ़ा है तो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर के तरफ से हवाएं जो है हमारे भारत की भूमि में पश्चिमी तट से आगे टकराती है, काफ़ी बरसात होती है। ऐसा कारण यही बनता है कि यहाँ पर लो टेम्परेचर, भारत का जो उत्तरी और मध्य भाग है लो टेम्परेचर हो जाता है, जिसके कारण हवाएं यहाँ अपना स्थान छोड़ देती है, उनका स्थान खाली हो जाता है, तो भारी हवाएं इनका स्थान ग्रहण करने के लिए आती हैं, तो इसके कारण वर्षा होने लगती है। तो लो और हाई टेम्परेचर का ही जो है गुण होता है। और ठंडी के दिन में आप देखते होंगे कि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है ठंडी के दिन में तो लो प्रेशर बन जाता है, तो चक्रवाती वर्षा होने लगती है। ये भी एक रीजन होता है जलवायु को प्रभावित करने का। तो ये वायु का प्रभाव पे पड़ गए होंगे। फिर वायु की दिशा वायु की दिशा, जिससे वायु है ये चल रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। अब जिधर से हवा चलेगी और जिधर जाएगी दोनों में अंतर होगा। जिधर से हवा चल रही है उसकी जो फोर्स है धीरे धीरे आगे चलते हुए कम होती जाएगी। और आप देखे होंगे कि जब गर्मी का दिन होता है तो लू चलता है उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में झुलसा देने वाली जो है गर्म हवा चलती है, तो इसके कारण क्लाइमेट का एकदम चेंज होता है। वनस्पतियाँ जो होती हैं हरी भरी घासें होती सूखने लगती हैं, और इसके बाद यही हवाएं जब सागर से होकर के गुजरती हैं तो इनमें आर्द्रता जब गर्म हो जाती है तो फिर जब दोबारा यही हवाएं अपनी दिशा को मोड़ लेती हैं तो वही हवाएं जो है अपने साथ आर्द्रता को ला करके भारत में वर्षा कराती हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि पश्चिम से आती हैं तो हमें उष्णता प्रदान करती हैं, अर्थात हमें झुलसा देने वाली ये हवाएँ महसूस कर, मतलब झुलसा देने वाली हवाएँ चलती हैं गर्मी के दिन में, लू चलने लगता है। लेकिन यही जब सागर से फिर रिटर्न होकर आती हैं, इनकी जब दिशा मुड़ जाती है जब पूरब से ये लोग आती हैं तो वही हवाएं जो है आर्द्रता लाती हैं और सुहाना मौसम कर देती हैं। फिर यही हवाएं जब शाम के समय चलती हैं तो मौसम काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन जब यही हवाएं दोपहर के समय चलती हैं तो काफ़ी झुलसा देती हैं। इस प्रकार से हवाओं की दिशा भी बहुत प्रभावित करता है अपने जो है साथ ठंडी और गर्मी, वर्षा, ये सारी चीज़ें हवाएं लाने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से हवाओं की दिशा भी प्रभावित करता है जलवायु को। तो इस प्रकार से हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब हवा का दाब भी पढ़ लिया, हवाओं की दिशा भी पढ़ लिया, तो इसमें मुझे लगता है सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहीं पर जलवायु के प्रभाव को प्रभावित करने वाली कारक को ख़त्म करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब यही पर एक क्लास एंड होती है, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।